इंडिया, मैं हूं सोमेश माथुर। आप सभी का होममेड में एक बार फिर से स्वागत है। वैसे तो बिरयानी हैदराबाद में बड़ी फेमस है, लेकिन अब हैदराबाद तो जा नहीं सकते, तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं एक इजी बढ़िया डिलीशियस वेज बिरयानी की रेसिपी होममेड की तरफ से। तो उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे बासमती बिरयानी राइस। हमें बनाने हैं राइस को खुले, तो इसलिए हम इसको पानी में करेंगे सोक 15 से 20 मिनट के लिए। तो जब तक हमारे राइस सोक हो रहे हैं, हम पानी को बॉईल होने के लिए चढ़ा देते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक सिनेमन स्टिक, 3 से 4 कार्डिमम, 3 से 4 क्लोव, 1 बे लीफ, 1/2 teaspoon सॉल्ट, 1 tablespoon ऑयल, और अब हम इसे बॉईल आने तक वेट करेंगे। तो अब जो कि पानी में बॉईल आ चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे सोक किए हुए राइस। ध्यान रहे कि राइस को कभी भी ओवर कुक ना करें, वरना हमारे राइस जो है वो खुले खुले नहीं बनेंगे और फिर बिरयानी में मज़ा कैसे आएगा। तो अब हमारे राइस जो है वो बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे, इसका सारा पानी निकाल देंगे और इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 tablespoon घी, ताकि हमारे जो राइस है वो एक दूसरे से चिपके ना। तो अब हमारे राइस जो है वो हो चुके हैं रेडी। तो अब हम लेंगे एक बड़ी कढ़ाई, इसके अंदर हम ऐड करेंगे 4 tablespoon ऑयल, 1 teaspoon शाही जीरा, 2 बे लीफ, 2 सिनेमन स्टिक, 4 कार्डिमम, 1 ब्लैक कार्डिमम, और अब हम इसमें ऐड करेंगे क्लोव्स 4 से 5 और ब्लैक पेपर 4 से 5। अब हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। तो खड़े मसाले कुक हो चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे स्लाइस किए हुए अनियंस। अच्छे से इसको चलाएंगे, लाइट गोल्डन होने तक इसे कुक करेंगे। लाइट गोल्डन कलर आ चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप करी हुई ग्रीन चिलीज। वापस से इसको मिक्स करेंगे। हम ऐड करेंगे 1/2 teaspoon टर्मरिक, 2 tablespoon ऑफ रेड चिली पाउडर और 3 tablespoon ऑफ कोरिएंडर पाउडर। सभी मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले भुन जाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 cup ऑफ टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। वापस से हम इसे अच्छे से मिलाएंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 tablespoon कर्ड यानी दही। नाइसली कुक हो जाने के बाद
अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे बॉईल किए हुए सोया चंक्स, बॉइल्ड फ्रेंच बीन्स और फ्राइड डाइसेस ऑफ पोटैटोज। तो वेजिटेबल्स डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 teaspoons ऑफ गरम मसाला। तो अब हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे से कुक हो चुकी है, तो अब हम इसमें से आधी साइड में निकाल लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे राइस। राइस डालने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे फ्राइड अनियंस, कुछ मिंट लीव्स, रोज वाटर, आप इसकी जगह केसर और दूध का मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं, 1 teaspoon गरम मसाला और अब वापस से वही प्रोसेस। अब हम इसे ऊपर से कवर करके 5 minutes के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे, देन इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो अब हमारी वेज बिरयानी रेडी है। Thank you India to watch my video. If you like my video, press the like button. Do subscribe to our channel and keep watching Homemade.